मैं आपको दिखा भी देती हूँ जो जो मैं इनके लिए कपड़े लाई हूँ, ये चेरी के हैं। चेरी तो बहुत क्यूट लग रही है भाई, मेरी चेरी बेबी तो बहुत क्यूट लग रही है। खड़े होकर दिखाते हैं आप मेरी पहले। वो बिछाने तो दे, कोको का बिछाना है, उठ रहा। क्या हुआ नान जी, क्या हुआ? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सुबह का दिन है, दिन की सुबह है और बज गए हैं 12:30। और अविनाश घर पे नहीं है क्योंकि जैसे ही हम लोग आए हैं, आते के साथ ही अब अविनाश को सुबह से काम है। वो अपना सुबह से राइटिंग वर्क के लिए निकला हुआ है, आई डोंट नो कितने बजे आएगा। और मेरे को ऐसे पूरी रात बॉडी में ऐसे हरारत रही बिकॉज बहुत टायरिंग हो गया, बहुत पूरा टूर बहुत टायरिंग हो गया मेरे लिए भी। तो अभी थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ मैं घर पे, मेरे बच्चों के पास, मैं बब्बू के पास टाइम दे रही हूँ, मेरे बब्बू के पास टाइम दे रही हूँ, मेरे चारो बेबी का चारो से देख लेंगे कि चारू बाबा कहाँ पे है, मेरा चारू बाबा कहाँ है, चारू बाबा कहाँ है, चारू 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 आप नहीं चारू 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 कहाँ है, चारू पे भी कहाँ बैठा हुआ है, चारू में भी कहाँ। अरे भैया मामा कहाँ कर रहे हैं यहाँ पे, मामा कहाँ कर रहे हैं। चारू बाबा कोको बाबा को यहाँ पे दिखा देते हैं, कोको बाबा यहाँ पे आराम कर रहा है। और जब से मैं वापस आई हूँ ना, ऐसा जुकाम जुकाम सी फीलिंग हो रही है ना मेरे को। ये देख लो दोनों के नाटक, ये देख लो खुशी के मारे, पूरी रात इसने सोने नहीं दिया मेरे को दोनों ने। मैं आपको दिखा भी देती हूँ जो जो मैं इनके लिए कपड़े लाई हूँ, ये चेरी के हैं, ये चेरी के लिए लाई हूँ मैं, आई थिंक कोको का है चेरी का है, सब मिक्स हो गए हैं पता नहीं। एक ये चुन्ना के लिए ड्रेस आई है, चुन्ना के लिए ड्रेस आई, ओए नीचे गिरा दिए। ये चुन्ना रुको ना, चुन्ना रुक जा, अमित इसको पकड़ जा रहा। ये चुन्ना के लिए ड्रेस ही आई है, ये कैंडी को भी आ सकती है वैसे, कैंडी को आएगी, ये कैंडी को आ, ये चुन्ना की ड्रेस है, ये कैंडी की है, ये चुन्ना की है, ठीक है। और निकाल तो ये भी चुन्ना की है, ये देखो ये एक और चुन्ना की ड्रेस आई है, मेरे को लगता है ये भी कैंडी को आ जाएगी अमिता, ये चुन चुन के लिए। और ये मेरी चारू के लिए, ये मेरा चारू का ड्रेस है, मेरी चारू का ड्रेस है। अब इसके बनाना, इसके इसको पहनाते हैं जरा, चेरी को पहनाते हैं ये है? तो ये इतनी ही सारी ड्रेसेस लाई हूँ, एक तो ये इतना ही आया है, ये कोको के लिए, ये कोको के लिए। चेरी की गुत बना, मैं चेरी को ये ड्रेस पहनाती हूँ जरा, बाकी सब अंदर रखो वापस। चारू देखो आपके लिए क्या आया है, देखो आपके लिए क्या आया है चेरू, इधर आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी से। मैं जरा चेरी को तैयार कर लूँ फिर दिखाती हूँ कैसी लग रही है। चेरी तो बहुत क्यूट लग रही है भाई, मेरी चेरी बेबी तो बहुत क्यूट लग रही है, गुड़िया बहुत अच्छी लग रही है। दिखा इधर, दिखा इधर, दिखाओ, खड़ी होके दिखा, चल खड़ी होके दिखा, इसको पकड़, खड़ी होके दिखाते हैं, खड़े होके दिखाते हैं आप मेरी पहले। ये थोड़ी बड़ी नहीं है? नहीं लेकिन ठीक ही है, लेकिन लटक गया ये देख, ये वाला जो है अभी देखेगा अविनाश आके खुश हो जाएगा। नीचे भी बटन होता तो बटन होना चाहिए, तो लगा देते हैं ना, ये लगा देते हैं ना अंदर बटन है। चारू अच्छा लगा, अच्छा लगा आपको, फोकी फोकी अच्छी लगी, फोकी फोकी ये चल जा जा। मेरे को लगता है ना अमिता, इसके नीचे इधर एक बटन लगा देते हैं नीचे यहाँ पे, फिर ठीक हो जाएगा। फ्रॉक तो पूरी आ रही है उसको, फ्रॉक बड़ी नहीं है, फ्रॉक तो सही दिख रही है एकदम। देखो दीदी कैसी लग रही है, अच्छी लगी फ्रॉक लग रही है। लड़की मैं लड़की तो हूँ, लड़का थोड़ी हूँ, मैं तो लड़की हूँ, एकदम डॉल की तरह बन जाती है। हम तो लड़की है, हम तो लड़की दिखेंगे ना, हम कभी कभी लड़का दिखते हैं, वैसे तो हम लड़की दिखते हैं, है ना। तो आए मेरा बच्चा, कितनी खुश है आपको मालूम है, जब से मैं वापस आई हूँ इन लोगों ने बिल्कुल एक सेकंड भी मुझे छोड़ा नहीं है, एक सेकंड भी, घर तितर बितर हुआ हुआ है। अब मैं आपको ना एक बार, आई थिंक आपने देखा होगा लेकिन आपको फिर भी दिखाती हूँ कि हमने जो सूटकेस लिए थे वो बहुत ही अच्छे लगे मुझे। ये देखो ये डिजाइन वाला सूटकेस है तो मुझे बहुत अच्छा लगा, अगर ये टूट टाट भी जाए ना तो इतना महंगा नहीं है, इसके अंदर दूसरा भी है। अब इसको खाली भी करना है, अभी तो खाली भी नहीं किया हुआ है, इसको खाली वाली करना, बहुत सारे काम, मतलब इधर इधर बहुत सारे काम है। अब जैसे इतने दिन के लिए गए हुए थे ना कि अब आते ही सारे काम याद आ रहे हैं कि ये वो ये भी था, वो भी था, वो भी था, वो भी था, सारे काम याद आ रहे हैं। आई मीन वाला विनाश आता तो मैं आपको मिलवाती हूँ। चारू वो बिछाने तो दे, कोको का बिछाना है, उठ रहा। क्या हुआ नान जी, क्या हुआ? आज बॉल के साथ खेलेंगे, बॉल बॉलों के साथ खेलेंगे वहाँ पे ना, इधर ये रहा बॉल। मेरा चेरू कितना चुंदर चुंदर लग रहा है, मेरा चेरू भी कितना चुंदर चुंदर लग रहा है, मेरा चारू भी कितना चुंदर चुंदर लग रहा है। वाह वाह, चलो जाओ लेके आओ, साइड साइड से इसकी फ्रॉक पड़ी है अभी तक। नहीं मतलब ऐसा फूला है ना? हाँ फूला हुआ है, लेकिन इसको वो लगाएंगे ना, क्या चाहिए, क्या चाहिए, यहाँ से चाहिए कुछ, ये वाला चाहिए, ये चाहिए, ये देख
क्या यहाँ पे आना है क्या तेरे को? तू कब से ऊपर बैठने लग गई? अच्छा चल आजा आजा आजा, बैठ जा। क्यों बैठना है इसको मुझे मालूम नहीं। चारू यहाँ क्यों बैठना है बाबू? चारू अभी ये सब चीजें तो इनकी चलती रहेंगी। आपको पता है शॉपिंग तो कुछ करी नहीं है, लेकिन दो तीन टम्बलर में लेके आई थी, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। किधर है अमिता? तो मैंने एक ये लिया है टम्बलर, कलर ये लिया मैंने, एक ये वाला लिया है, दो ये तीसरा पिंक कलर का, तीन पिंक कलर के अलग अलग आ गए हैं, चौथा और ये फिफ्थ, ये पांच वाली है। ये पांच टम्बलर लिए हैं क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगे। इसके कवर्स भी लिए हैं, तो आप ये देख लो इसके कवर्स भी। ये वाला एक ये कवर है, एक ये वाला कवर है, ये हेलो किटी का है, ये भी कुछ किट्टी पिट्टी बनी हुई है। क्या बोल रही है ये? क्या किया तूने? क्या हुआ? हाँ क्या हो गया? हाँ बताना क्या हुआ है? वो कपड़ा पहना दिया तो मैं उसको लग रहा है घूमने जा रही हूँ मैं। हाँ इसीलिए आवाज निकाल रही है। घूम भी नहीं जा रहे चेरी, हम फ्रॉक पहन ली तो घुमाने। चल तो अभी इससे खेल। गुड मॉर्निंग गाइज, मैं आ गया हूँ घर पे और आते के साथ ही काम हो चुका है एकदम धमाके से शुरू। सांस लेने का भी वक्त नहीं है और बस घर में घुसा हूँ और मैंने देखा चेरी को कपड़े पहने हुए, फ्रॉक पहन के। अच्छे लग रहे हैं कपड़े, उनको फिट आए हैं। बेबी कहाँ पे हो? और मेरे आते मेरी बेबी घुस गई है बाथरूम में। और आने के बाद हमें कोई टाइम नहीं मिला है जल्दी से, क्योंकि इतना काम का प्रेशर हो गया था। हो गया था क्या? हो गया है कि क्या बताऊं। और ऊपर से ये लैपटॉप लेते ही गोद में आ जाए, चेरी ऊपर आ जाए, इसलिए आज काम थोड़ा बाहर जाके करना पड़ा मेरे को कैफे में बैठ के। और अभी फिर मेरे को एक घंटे में वापस जाना है, तो अभी जरा संभावना आ जाए फिर आप लोगों से मिलते हैं। जी मेरी बेबी आ गई है, कई दिनों के बाद अपना घर देख रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है घर देख के। मैंने दिखाया मैं कितनी फ्रॉक्स लेके आई हूँ इनके लिए, बच्चों के लिए। ज्यादा तो नहीं लिए लेकिन थोड़ी बहुत ली है शॉपिंग। मैंने अपना टम्बलर्स दिखाया है, मतलब पूरी शॉपिंग मैंने आपको दिखा दी है। ये खरीदा है बैंकॉक से, कुछ नहीं खरीदा, कुछ भी नहीं। और ये देखो हमारे पीछे क्या क्या हुआ है। देखो शीशा गिर गया घर में, ऊपर से नीचे खिसक गया, यहाँ पे ये सारा काम हुआ है। तो अभी आधा अधूरा जो काम करने वाले हैं उन्होंने काम छोड़ा हुआ है, आधा अधूरा काम हुआ है। कल आते ही घर में अंदर गीजर का पाइप फट गया और पूरा पानी पानी हो गया बाथरूम में, फिर प्लम्बर को बुलाना पड़ा। रात को हम लोग आए थे और रात को ही हमको प्लम्बर को बुलाना पड़ा, और शुक्र है कि फटा भी ऐसे पाइप की पता हमको पता लग गया एकदम। और ये सब आते के साथ ही, मतलब इसलिए इतना सुबह लेट उठी हूँ ना, तो ऐसा अजीब अजीब सा लग रहा है मेरे को। खैर अभी मैं अभी थोड़ी देर में मेला बच्चे मामा का बीट मामा का बीट मामा का मामा मचन बहुत प्यारी किया भाई, मामा को बहुत मिस किया है, बहुत रोई है, बहुत रोई है, छोड़ नहीं रही है, बिल्कुल छोड़ नहीं रही है कि मम्मा को, मम्मा कहाँ चली गई थी, मम्मा मेरी कहाँ चली गई थी। तुम्हें भी तो पूरी रात तुम्हें भी तो तंग करती रही है, निकल गई थी। और अभी जैसे ही आई हूँ ना, तो मैं आपको बता दूं मुझे फीवर लग रहा है और नाक से पानी बह रहा है, मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा अनइजीनेस हो रही है। मैं अविनाश का वेट करूंगी, अविनाश दोबारा से गया हुआ अपनी मीटिंग के लिए, तो जैसे ही वो आएगा उसके साथ मेरे को निकलना पड़ेगा। आप देख रहे हैं आंखों में ना पानी भी भर रहा है मेरे, बार बार आंखों से पानी आ रहा है। मैंने दीदी को बोला थोड़ी चाय वाय बनाए मेरे लिए, उसमें पुदीना वगैरह सब डाल के। दीदी देखती हूँ चाय का क्या हो रहा है, रख दिए चाय, थोड़ा काली मिर्च भी डालना कूट के, बहुत ज्यादा बनाई है चाय। ये देख पुदीना भी इसे डाल दे। ना ना कर, रुक जा, गले में इतनी तेज दर्द हो रहा है ना, मैं आपको क्या बताऊं, उससे मेरे को शायद फीवरिश लग रहा है। और अभी मैं डॉक्टर के पास अगर नहीं गई ना, तो मेरी रात को तबीयत बिगड़ सकती है, और मेरे को इस चीज का बहुत डर लगता है कि रात को तबीयत ना बिगड़ जाए। तो इससे बेटर है भी मैं चाय में पी के जब तक अविनाश आएगा वापस, तब उसके साथ ही चली आऊंगी डॉक्टर के पास। काम भी लग गया। तो जी लेटेस्ट खबर ये है कि अविनाश को टाइम लग जाएगा, 8 बज चुके हैं और उसको शायद 10 बजेंगे आने आने में। तो मेरी ना तबीयत ज्यादा खराब हो रही है, तो मैं अभी अमिता के साथ डॉक्टर के पास जा रही हूँ अमिता को लेकर, क्योंकि मेरे को आई थिंक, मुझे लगता है इंजेक्शन लेना पड़ेगा। मेरी अंदर से ना बहुत ज्यादा कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, तबीयत मेरी बहुत गड़बड़ हो रही है समय। चलो अमिता नहीं गाड़ी मेरी ऑटो में चले जाएंगे। तो जी एक बार मैं जरा डॉक्टर के पास से आ जाऊँ, फिर आके मिलती नहीं जा रहे बाबू। हाँ मेरा बाबा घूम घूम ही नहीं जा रहे, आप अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ, मम्मा भी आ रही है।
जी डॉक्टर के यहाँ से हम निकल गए और मैं आपको बता दूं कि हल्का सा फीवर भी है मेरे को, इंजेक्शन दिया है डॉक्टर ने, अब मैं चली घर की ओर। अविनाश का फोन आया था क्या, क्या बोल रहा है? तो अभी हम लोग जा रहे हैं जी घर। घर जाके मैं थोड़ा बहुत, मैंने दीदी को बोला खिचड़ी बनाने के लिए, खिचड़ी बनाई होगी, खिचड़ी खाऊंगी, थोड़ा रेस्ट करूंगी। अब रेस्ट तो करना ही है, क्या करें, थोड़ा बहुत तो देखो तबीयत तो खराब हो जाती। तबीयत का क्या है, आपके हाथ में थोड़ी है, आपको थोड़ी पता था ही हो जाएगा जी। वापस आ गए हम इंजेक्शन लेके, एक इंजेक्शन लगाया, अच्छी तरह से ठुकाया और अब जाके आराम करूंगी मैं, खिचड़ी खाऊंगी और रेस्ट करूंगी। जैसे मैंने देखा किसी यहाँ पे पिज्जा आया हुआ है, मुझे मिलेगी खिचड़ी। यहाँ पे आ गई है मेरी खिचड़ी, खिचड़ी खा लूंगी। दीदी इतना छोटा चम्मच दिया है, बड़ा दो ना। एंड थोड़ी सी भिंडी है, इतना गरम भिंडी मेरे को थोड़ी सी निकाल के दे दे। मैं कह तो रही हूँ गरम है बहुत, इतना गरम करके दिया ना दीदी ने। बस 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 शिवी तो मैं और दे दूंगी, मेरे को खिचड़ी खानी है बस। अविनाश तो आया नहीं है, अविनाश तो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है, पता नहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग में है। तो दीदी आप मुझे अचार दे रही हो, मेरी गला खराब है। खिचड़ी अच्छी है, बीमार हो तो खिचड़ी खानी चाहिए। तो जी दोस्तों मैं आ गया हूँ घर, अभी बज रहे रात के 11। आते ही सबसे पहले कपड़े चेंज किए, अभी खाना मैंने बोला है कि खाना लगा दिया जाए, आज बहुत लेट हो गया खाना मेरा। और आते ही पता चला है एक्चुअली जहाँ मैं था मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, और बीच में संभावना का फोन आया कि वो डॉक्टर के पास है, तो मैं काफी डर गया। अब यहाँ आके देख रहा हूँ तबीयत तो एक्चुअली काफी खराब है, उसको कॉफ की उल्टियाँ हो रही हैं, अभी मेरे सामने हुई, स्टीम ले रही है अभी। फीवर कैसा है? फीवर ठीक है लेकिन यहाँ पे एसिडिटी बहुत ज्यादा हो रही है। एसिडिटी या कॉफ? भाई कॉफ एसिडिटी वैसा वैसा सब हो रहा है, ऊपर आ रहा है। तो इनो लेना है क्या? तो भाई लीजिए। तो जी अभी हम थोड़ा सा देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम हुआ है, और किस, क्योंकि अभी वायरल बहुत ज्यादा फैला हुआ है। और अब आज का ब्लॉग यहीं खत्म करते हैं, आप लोग को मिलते हैं कल। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल विच इज संभावना सेट एंटरटेनमेंट। बच्चों की भी जान में जान आई है जब से आए ना, थोड़ी सी रौनक आई है घर में, लेकिन आते ही फिर तबीयत खराब। कल वर्कआउट मत करना।